नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की पंचदिवसीय कथा का आयोजन पटना में किया जा रहा है। 13 मई से 17 मई तक यह कथा का वाचन चलेगा। इस दौरान शास्त्री बिहार में ही रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद यह बात बताई। वहीं हम बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दे दी है। बिहार के पर्यावरण मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने इनके आने पर अपना रवैया सख्त कर लिया है। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि बागेश्वर बाबा अगर हिंदुओं और मुसलमानों को झगड़वाने आ रहे हैं तो मैं इनका विरोध करूंगा। मैं शास्त्री को एयरपोर्ट पर ही घेर लूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई। वह अगर भाईचारे पर ध्यान देते हैं तो ही उनको बिहार आने दिया जाएगा। इस चेतावनी पर अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जनवरी माह में शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को कहा था। सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव के मौके पर उन्होंने कहा था कि बोस ने जो नारा दिया था हमने उसको ध्यान में रखते हुए एक नया नारा तैयार किया है, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आगे कहा कि अब भी बाहर नहीं निकले तो हम उन्हें कायर मान लेंगे। अगर आप सनातनी हैं तो मेरा साथ दो, घर में मत छुपे रहो, अब तो बाहर निकलो, मुझे सिर्फ सनातन धर्म को आगे लेकर जाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें धर्म विरोधियों को करारा जवाब देना है या हम पर निशाना साध रहे हैं मगर ये नहीं जानते भारत एक हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू होकर हिंदू पर सवाल उठाते हैं। उनका दावा है कि हमें तो यह भी अंदेशा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इतना ही नहीं, हिंदू राष्ट्र को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। कुछ ही समय में इस क्रांति के जरिए संसद में भूचाल आने वाला है। जबलपुर के पन्ना नगर में हुई श्रीमद् भागवत कथा के दौरान जब शास्त्री से साईं बाबा की पूजा पद्धति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर महाराष्ट्र के कई पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज की गई थी। धन्यवाद।